नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले का सुप्रसिद्ध स्थल नागेश्वर धाम नागोताल लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पूरे वर्ष भर में दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी मन्नत लेकर आते हैं। लोगों का मानना है कि यहां जो भी भक्त श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आश्रम से जुड़े भक्तों का मानना है कि इतने बड़े दर्शनीय स्थल के नाम से विख्यात ये क्षेत्र शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। यहाँ विकास को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ विकास कब तक हो पाएगा। नागेश्वर धाम इसको बोला जाता है, तो यहाँ नागों की दर्शन होती हैं और सिद्ध महाराज की स्थापना है और सिद्ध महाराज का एक प्राकृत पुराने स्थान है और यहाँ सब संत लोग रहते हैं और यहाँ भक्तों के द्वारा सब भंडारे चलते हैं, यज्ञ चलते हैं। यहाँ पे रोड पास है, लाइट पास है। भाजपा सरकार ने आज तक कोई काम यहाँ पे नहीं किया। एक ही काम हुआ जो सामुदायिक भवन है, आज भी आप देख सकते हैं अधूरा बना हुआ है, उसमें भी आज पूरा काम नहीं हो पाया। विकास अवरुद्ध है, क्या मानते हैं आप, किसकी गलती है? सरकार की गलती है। तो आप लोगों ने कहीं पत्राचार किया? सब कुछ हमने दिया, हर जगह दिया, हमने अपना कंप्लेंट हर जगह किया, फाइल भी हमारी बनी हुई। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।